श्री शिवाय नमस्तु। 15 तारीख को श्रावण महीने की शिवरात्रि पड़ेगी, जिसका विषय आप अपने नगर के जो ब्राह्मण जन हो, पंडित जन हो, विद्वत जन हो, भूदेव हो, उनसे भी अपने घर में बुलाकर आप 15 तारीख को अभिषेक सावन की शिवरात्रि का करवा सकते हैं। जो लोग नहीं बुलवा पाए वो बड़े आनंद के साथ में आप और हम सब रात्रि को 9 बजे शिवरात्रि के दिन बाबा का ऑनलाइन अभिषेक करेंगे बड़े भाव के साथ। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी का बनाए, वैश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाए, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग बनाए। अगर मिट्टी नहीं मिलती है तो तुम्हारे गमले में जो भी मिट्टी हो, वो जिस जिस कलर की हो, उस कलर का शिवलिंग का निर्माण करो। और शिव की अर्चना, शिव की आराधना अवश्य। पिछले वर्ष जिन जिन ने करा, मेरे बाबा ने उनकी झोलियां खुशियों से भरी। अपने घर में थोड़ी सी मिट्टी लाकर उसका शिवलिंग का निर्माण करना थाली के अंदर, और जो पूजन का सामान यहाँ से बताया जा रहा है आस्था चैनल के माध्यम से, रोज प्रतिदिन ये पूजन का सामान कथा चालू होने के पहले और बाद में बताया जाएगा। एक लोटा जल, गेहूं के 21 दाने जिससे वंश वृद्धि के लिए रहे, कमल गट्टे 5 क्योंकि कमल के फूल नहीं मिल पाते इसलिए कमल गट्टे बाबा देवदी देव महादेव को चढ़ाने के लिए, चावल साबुत दाने मतलब आखा दाना, चावल टूटा हुआ ना हो, 108 दाने चावल के, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी के पत्र 7, गुलाब के फूल लाल मिल जाएं तो सबसे अच्छी बात है, 7 ना मिले तो सफेद पुष्प भी चलेंगे कोई से, गोल सुपारी पूजन की सुपारी 3 क्योंकि 2 गोल सुपारी का गणेश जी गोरा जी बनेगा, 1 सुपारी का संकल्प, जनेऊ का जोड़ा 2, देसी घी का दीपक 2, एक दिया अखंड चलेगा अभिषेक तक और एक दिया आरती उतारने के लिए, फल 5, मिठाई प्रसाद जो तुम्हारे घर में हो, गुड़ हो, शक्कर हो, या जो आप बाबा को भोग लगाना चाहो आपकी मर्जी, इत्र पीला चंदन कुछ मात्रा में, मौली तलेवा नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं लच्छा वो, आरती के लिए लौंग इलायची बाबा को तांबूल के लिए, पंचामृत थोड़ा सा कटोरी में भी बना ले, थोड़ा थोड़ा सा अलग भी रख लें, दूध दही घी शहद शक्कर गंगा जल आदि ये भी रख, और शिवलिंग बनाकर तैयार रखना, रात्रि को 9 बजे पूजन की थाली लगाकर रखना जिसमें रोली मौली चंदन अबीर गुलाल सब रखा हुआ हो, ऐसी थाली लगाकर रखना, और बाबा की तैयारी कोई ब्राह्मण देव भूदेव विप्रजन ब्राह्मण जन अगर आपके परिचित में हो तो उनसे भी आप बुलाकर साथ में ऑनलाइन अभिषेक के साथ में आप कराइए भाव के साथ में। नहीं मिले ब्राह्मण तो आप खुद घर के, अब की बार रात्रि को 9 बजे इसलिए रखा क्योंकि पुरुष भी आ जाए, क्योंकि वो भी दिन भर दुकान पर बैठते हैं, नौकरी में रहते हैं, हम तो बाबा से ये प्रार्थना करेंगे कि जो जो अभिषेक में बैठे और जो वो काली मिर्ची समर्पित करे उसकी जिंदगी में कभी कोई बीमारी ना आए, बस इतनी कृपा। प्रथम सुख, पहला सुख कौन सा है? निरोगी काया। दूसरा सुख है घर में आया, हमारे घर में हम स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। 1 घंटे 9 बजे से 10 बजे तक रात्रि को 15 तारीख को ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक शिवरात्रि के दिन सावन महीने का होगा। ये भाव के साथ हम अलवर की भूमि से कराएंगे, आप सब अपने अपने घरों में परिवार के साथ आनंद के साथ बैठकर एक उत्साह के साथ में, मुंह उतार कर नहीं, मेरा बाबा शिवरात्रि के दिन तुम्हारे घर में सावन के महीने में आ रहे, खुशी के साथ, खूब आनंद के साथ, उत्साह के साथ में, और टीवी की आवाज तेज कर जिससे शब्द की गुंजान बाहर तक जाए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते बोलते बाबा का सावन महीने का अभिषेक करें। ये बार बार नहीं होता, साल में एक बार हम लोग कराते हैं और आप लोग साथ में करते हो। घर में मिट्टी का शिवलिंग, और विसर्जन करना है तालाब सरोवर बावड़ी कुआं कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने पास में जो वृक्ष हो, पेड़ हो, मिट्टी का कुंडा हो, पौधा लगा हो, वहीं पर विसर्जन भी आप उसी में करें जिससे हमारी नदी तालाब बावड़ी स्वच्छ रहे, पवित्र रहे। विसर्जन भी उसी दिन रात्रि को उसी समय पर बड़े भाव के साथ पूजन के साथ करें। शिव तत्व पूजा क्या मिलता है? सावन की शिवरात्रि का अभिषेक सुख देने वाला आनंद। 15 तारीख को अगर आप अभिषेक करें शिव जी का,
दिल में ऐसी उमंग होना चाहिए कि तुम्हारे घर में आज दिवाली है, आज बाबा की कृपा से मेरे घर में लक्ष्मी प्रवेश कर रही है, कुबेर भंडारी प्रवेश कर रहा है, संपदा मेरे घर में प्रवेश कर रही है, और मेरा दुख मिटाने के लिए मेरा शंकर, कंकर शंकर, मेरा शिव पार्थिव शिवलिंग के रूप में विराजमान हो रहा है। ये भीतर से उत्साह। शमी पत्र प्रयास करना कि घर में जितने सदस्य हैं प्रत्येक सदस्य का शमी पत्र पर स्पर्श हो जाए, या एक एक शमी पत्र घर का एक एक व्यक्ति अवश्य चढ़ाए, उससे जीवन में कहीं मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, रुक रहा है, व्यापार रुक रहा है, या लक्ष्मी आने से रुक रही है, तो शमी पत्र शिवजी पर शिवरात्रि के दिन कल समर्पित जब अपन करेंगे तो उससे मार्ग खुल जाता है। जैसे बच्चों की पढ़ाई का हो, या व्यापार का हो, या व्यवसाय का हो, तो शमी पत्र का प्रयास जरूर करिएगा कि सब एक एक अलग अलग मेहमान भी अगर आए हैं तो वो भी अपना शमी पत्र चढ़ाए तो अच्छे। शिवरात्रि अभिषेक का फल मुझे मिला, मेरी नौकरी नहीं थी, बाबा देवाधिदेव ने मेरी सरकारी नौकरी लगा दी, उसके लिए मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आया। जिसने पत्र लिखा है वो हाथ हिला सकती है, क्योंकि पत्र उसमें दिख नहीं रहा, वो जल रहा। और फिर निवेदन करूंगा, श्रावण महीने की शिवरात्रि, पूरे सावन महीने की महिमा तो आप लोगों को मालूम होगी ना, कि चतुर्मास के चार महीने अगर आप व्रत नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव ने अपना एक महीना दिया है। कौन सा महीना? जम के बोलो जरा, श्रावण का महीना दिया। श्रावण के महीने भी पूरे महीने अभिषेक नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, अर्चना नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव ने श्रावण के महीने के सोमवार दिए। क्या दिया है? सोमवार। और अगर श्रावण महीने के सोमवार को भी हम भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, ब्राह्मण देवता को घर में बुलाकर अभिषेक पूजन नहीं करवा सकते, श्रावण महीने में भी अगर चार या पांच सोमवार पड़ते हैं और इन सोमवार को भी हम भगवान शिव की आराधना नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है कि उस महीने भर में शिवरात्रि का वर्णन कर दिया कि कम से कम श्रावण के महीने की शिवरात्रि के दिन ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर अपनी मन की कामना कर देवाधिदेव महादेव की आराधना कर लो, तो पूरे चतुर्मास के पुण्य का फल आपको प्राप्त होगा। एक घर में अगर चार लोग रह रहे हैं, देवरानी जेठानी सब अलग अलग रह रही है, तो अलग अलग शिवलिंग बनाओ। अगर एक रसोई घर है और उसमें देवर जेठ सब एक ही रसोई घर में भोजन करते हैं, तो एक शिवलिंग का निर्माण करो। जो पूजन की सामग्री बताई है, उस पूजन की सामग्री एक ही शिवलिंग पर सब हाथ लगाकर चढ़ाओ। अगर परिवार में 10 चूल्हे हैं, ऊपर नीचे भोजन बनता है, अलग अलग बनता है, तो फिर 10 शिवलिंग का निर्माण करो। मना 5 चूल्हे हैं तो 5 शिवलिंग का निर्माण करो। घर में अगर तुम्हारे